साधु भी क्या करेंगे, आप दोगे नहीं तो साधु थोड़ी उठा के खाएंगे गर्मा गर्म, बराबर। इसलिए आपका धर्म है, जैसे माँ अपने बेटे को कैसे संभालती है, ऐसे हे माताओं, ये जितने मुरझाज हैं सभी आपके बेटे हैं, इनके संयम का पालन आप अच्छे से कराओ। जितने श्रावक हैं, जितने श्रावक हैं, सभी मुनियों की माताएं ये। आलोकित पान भोजन पंचा, ये पांच भावनाएं अहिंसा व्रत की हैं। और कैसे पालन करें मुनियों का, आप कुंद कुंद देव ने रेण सार जी में लिखा है, जैसे गर्भवती माँ, जैसे गर्भवती माँ एक एक कदम कैसे चलती है, मेरे उदरस्थ शिशु को कष्ट न हो जाए, हे जननी अहो मेरी श्राप को, मेरी तुम जननी हो, जैसे एक माँ उदरस्थ बेटे के लिए स्वयं गर्म नहीं खाती है, ज्यादा मेरे मित्र रूखा सूखा नहीं खा रही है, उल्टा सीधा नहीं खा रही है, बोले क्यों, गर्भस्थ बेटे को कष्ट ना हो जाए, मेरे बेटे का पतन ना हो जाए, अश्मे में जैसे गर्भवती माँ गर्भस्थ बेटे का पालन करती है, ऐसे सच्चा श्रावक इन बीतरागी मुनि बच्चों का पालन करता है। ये तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे बेटे हैं, इनके बाद पितकप का ध्यान रखो, ये मत सोचो मेरी सामग्री चल जाए, ये सोचो ये बीमार ना हो जाए। आपको जिनवाणी देंगे, अपनी साधना करेंगे, अभी नौवें अध्याय में अपन बात करेंगे, सभी साधुओं के लिए अलग अलग वैयावृत्ति का हेतु दिया है, अपन नौवें अध्याय में मिलेंगे, ठीक है। क्रोध लोभ भीरुता प्रतिकानुविचि भाषणम च पंच, अब ज्ञानी आपको समझ में आएगा कि तत्वा सूत जी को राजू पांड्या मित्र ये समझ में आएगा कि हम जब तक शास्त्र नहीं पढ़ते तब तक ऊपर देख देख के भागते रहते हैं, उसे ही तुम धर्म मानते हो। आज हम जिनवाणी सुन रहे पढ़ रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि जैन दर्शन है क्या। कमल भैया चार महीना पहले के कमल अलग थे, कुछ भी करवा लो अब तुम्हें सोच के करना पड़ेगा, सोच के करना पड़ेगा। अब शायद आप कहीं एसी कूलर पंखे नहीं लगा पाएंगे, अब सोच के काम करना पड़ेगा। राजू भी सोचता था चलो प्रचार करो क्या जाता है, उसको भी अब प्रचार सोच के करना पड़ेगा कि मित्र प्रचार का प्रचार मत करो, आचार का प्रचार करो। विराजो क्रोध प्रतिज्ञा सत्यव्रत की पांच भावना है। देखो भैया क्रोधी कभी सत्य नहीं भूल सकता, क्रोध जब आता है ना फिर तो अमन पता नहीं क्या क्या चमन खिलता है। तभी तक बेटा सब तुम्हारे हैं जब तक कसाई ने नहीं आपको पकड़ा, शराबी शराब पीकर पता नहीं किससे क्या क्या बड़बड़ा देता है, ऐसे क्रोधी को कोई विवेक नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल सकता है। यदि क्रोधी जब चिल्ला रहा हो, ओ सुधीर पुत्र इधर देख बेटा, केस रुच करना क्या तुझे बालक, इतने लंबे लंबे बाल क्यों रखा लिए तूने, तो कोई बात नहीं है क्यों सुलझ हो सकते ना, बैठ जाओ बालक। सुन बेटा जब व्यक्ति क्रोध आता है ठीक है ना, तो एक छोटी सी बात में मुझे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं, अजय सागर जी इधर देख ना भाई, कोई व्यक्ति शराब पिए है और नाली में पड़ा है अथवा गाली बक रहा है, सज्जन पुरुष क्या करते हैं, कुछ नहीं है वो नशे में है, ऐसा बोलते ना नशे में, उसे लड़ते नहीं है कोई समझदार आदमी कभी नहीं लड़ता, बोले क्यों, अरे बेचारा नशे में है, नशा उतर जाएगा ना तो हाथ जोड़ क्षमा मांगने भी आएगा, विश्वास मानिए नशे में है,
ऐसे जब महात्मा जी किसी क्रोध आए तो उसे लड़ने खड़े मत हो, ठीक है, वो नशे में है, इसका नशा उतर जाएगा ना तो मित्र यही कहेगा, हे स्वामी, हे भैया, हे गुरुजी, तेरा नशा उतर जाएगा। अभी एक सज्जन हमसे क्या बोले पंडित जी, एक सज्जन हमसे क्या बोले, बोले अमुक सागर जी आपसे कुछ भी बोलते चले, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा ठहर, थोड़ी देर से ठहरो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पहले गुस्सा में रो रहे थे, फिर पश्चाताप में रोने लग गए। हमने देखा पहले शराब चढ़ी थी गुस्सा की, पहले गर्म शराब थी, अब ठंडी शराब चढ़ गई रोने की, दोनों शराब हैं। विषय पकड़ना सीखो तो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र छोड़ दीजिए, क्षेत्र छोड़ दीजिए, एक ऐसे क्षेत्र से राम लक्ष्मण सीता निकले कि लक्ष्मण तो बहुत आपे के बाहर हो गए। बोली क्या मतलब, वनवास मुझे हुआ कि आपको हुआ है, मैं आपके पीछे पीछे घूम रहा हूं। सीता कहती स्वामी आप कुछ भी नहीं कह रहे, लक्ष्मण इतना बोलते चले जा रहे हैं। बोले सीता ठहरो, यहाँ की मिट्टी जरा उठाना। मिट्टी उठवाई, अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लो। बांध लिए। स्वामी कुछ तो बोलो। बोले ठहर भाई, तू पक्का नारी ठहरी, पतली पक्का तवा पतला है, पतले तवा जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। मालूम जैसे उस जंगल से क्षेत्र से बाहर निकले, लक्ष्मण तो राम के चरणों में गिर गए। भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, मैंने आपको ऐसा सा बोल दिया। अब सीता फिर पतला तवा। बोले आप कैसे कठोर हो गए हो, आखिर भाई तो आपके ही है ना, आप क्षमा कर दो ना, इतना क्या जा रहा है। बोले सीता अच्छा, वो तुम्हारे दुपट्टे में पल्लड़ में मिट्टी थी ना, वो कहाँ है। बोले है ना। बोले यहीं छोड़ दो। और जैसे ही मित्र मिट्टी को छोड़ा, लक्ष्मण का पूर्ण रूप। बोले क्या मतलब, इतनी देर से हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, मेरे लिए क्षमा ही नहीं करती हो। अब सीता राम की ओर देखती है, स्वामी मेरी समझ में आ गया आप मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हो। अब इनका प्रश्न है महात्मा अरिजीत सागर जी का, क्या सीता को असर नहीं कर रहा था। अरे देश में कोरोना छाया था, दुनिया के लोग मुसीका लगाए घूम रहे थे, छू छू कर रहे थे, बोले पैर मत छुओ, पैर मत छुओ। और मैंने तो कहा भाई तुम सब आओ। एक बार तो मालूम कलकत्ता से हमारे पीछे बेचारे कमल कुमार को डांट पड़ गई, ट्रस्टियों ने इनको ही डांट दिया। मेरे पीछे मैं गए थे, मैं क्षमा मांग ली तो भाई मेरे पीछे तुझे डांट पड़ गई। बोले क्या चल रहा है तेरा पंथी कोठी में, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, साधुओं के पास आ रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो जगह जगह से फोन भी आ रहे थे। मैंने कहा ज्ञानी इन सब विचारों को पता नहीं है, इन्हें किसी को पता नहीं। हमारे विष्णु सागर तो मालूम वहाँ वैशाली में बोले बोले गड्ढा खुदवा दो मेरी व्यवस्था के लिए। बोले अब तुम मान नहीं रहे ना, तो बस हमारी समाधि होगी यहाँ पर। हमने कि माना, तुम चिंता मत करो। जिसके शक्तियांश कमजोर होते ना उनको रोग प्रभावित करते हैं, जिनके शक्तियांश मजबूत होते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बंदित को पावनम को ऊंचा, इस सूत्र को विश्व का बड़े से बड़े वैज्ञानिक के पास भेजो, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखा, इसलिए भैया हाँ ये है, भक्ति में लगे रहो, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा प्राणायाम, शुद्ध भोजन करो और खुश रहो, दुनिया का रोग रोगी होकर चला जाएगा, रोगी रोगी हो जाएगा, उसको यहां से रुके जाना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। एक दिन सुब्रत सागर जी, हमने चातुर्मास किया और चातुर्मास किया 4 महीने पूरे हो गए, तो वहां पर कमेटी मेरे पास आई। हो सकता है पन्ना के एक त्रिलोक चंद जी यहां बैठे होंगे, ये पूरी कमेटी मेरे भाई। बोले महाराज जी एक प्रश्न, क्या? बोले हम लोगों ने तो बहुत व्यवस्था की थी, मैंने क्या ही की।
कोई महाराज बीमार पड़ गए, ये हो गया वो हो गया। बोले 4 महीने हो गए, एक विक्स की डिब्बी नहीं आपने मंगाई। हम की ज्ञानी, विक्स की डिब्बी तो महाव्याधि है, उसका प्रयोग तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता कि मैं जुकाम हो रहा बीमार हूं, तो सरसों का तेल सूंघ लो आप, लेकिन विक्स का प्रयोग मत करो। जहां तुमने विक्स लगाई वो अंदर कब सूखा, थोड़े दिन बाद देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। इसलिए ये बहुत देर से सोच रहे थे, ऐसा मुझे बोलना है, ये परम सत्य है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद से रहो। ये इनकी भक्ति बोल रही है, बहुत अच्छी बात है मित्र। तो क्रोध की, क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल सकता। क्रोध का त्याग और लोभ, लोभी व्यक्ति भी सत्य नहीं बोल पाता। वो मालूम लोभ में कुछ भी करके तुम इतना दे दो सब काम बन जाएगा। ओहो हो हो, इस कोरोना काल में लोभियों ने देश का नाश किया है, वो आप प्रमाण पत्र हैं उसके। सुब्रत सागर जी भैया, बोले गाड़ी नहीं जा सकती तुम्हारी, चेकअप कराइए। बोले भाई ये रखो, ठीक निकाल ले जाओ। मतलब अब उस गाड़ी में कितने कोरोना वाले बैठे हों, तो सबके कोरोना ठीक हो गए, जैसे जेब भर दी। ओ हो, अरे मेरे पास तो पूरे देश के समाचार आते हैं, समाचार पत्र नहीं पढ़ो, विश्वास रखना। वो एक दिन पत्र लेके भी आया था, भाई ले जा, यहाँ कोई समय नहीं है मेरे पास। पर इन लोगों के माध्यम से पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। तो विषय समझिए आप कि पैसे मिल गए तो कोरोना भग गया। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मित्र। जिस प्रदेश में चुनाव था उसमें कोरोना नहीं था, और जैसे कोरोना चुनाव समाप्त हो कोरोना बढ़ गया। इस रहस्य को भी तो सोचना पड़ेगा, कहाँ चला गया था फिर। ये विषय खोजना पड़ेगा आपको, ये विषय रखना पड़ेगा और लोगों को उत्तर देना पड़ेगा भविष्य में। तो मतलब वो जो बाहर जो कीटाणु है ना, बेबी की सोचते कि भैया हम इनके चुनाव चल रहे तो मैं भी थोड़ा दूर रहूं। आइए, तो क्रोध लोभ, लोभ के बीच में व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल पाता। भीरुत्व, डरपोक आदमी सत्य नहीं बोल पाता। पंडित जी जो डरता है ना, हर जगह बिल्ली बना बैठे रहता है मित्र, वो कभी जिंदवाणी को बोल नहीं सकता। उसको डर लगता कुछ हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, मृत्यु के आगे क्या हो सकता है, ये निर्णय होना चाहिए, जिनवाणी बोलना चाहिए। भूत भयभीत, हंसी मजाक में तो फांसी लग जाती है। बेटा अमन सभी अपने मित्रों को बेटा समझा के रखना, द्रव्य क्षेत्र को देख करके ही विनोद करो, पर इतने मजाक में मत डूब जाना कि हम ये भी देखें कौन खड़ा कौन बैठा कहाँ है किस स्थान पर है। ये मर्यादा जो नहीं जानता ना, वो उच्च स्थान पर बैठकर भी नीचे स्थान में चला जाता है। समय देख के बात करना, काल देख के बात करना, व्यक्ति को देख के बात करना। प्रसन्न सागर से मैं बात करता हूं तो उनके हिसाब से बात करूंगा, विश्वास रखना। विश्वलोक सागर से बात करूं तो उनके हिसाब से, वृद्ध अवस्था देख के बात करूंगा। सुब्रत से करूं तो उनकी अलग स्थिति है। समत्व से बात करूं तो उनको देख करके उनका चेहरा देखता हूं मैं। विश्रुत को देखता हूं उनका अलग चेहरा देखता हूं। मुझे मालूम है गुरु भाई के साथ कैसे रहना है और शिष्यों के साथ कैसे रहना है और गुरु के साथ कैसा रहना, ये सीखना चाहिए जो नहीं जानता इस बात को। माँ बहु बन के आई हो, अपनी माँ के साथ रहना वो अलग तरीका है, वो अपने पति की माँ के साथ रहना वो अलग तरीका है। माँ दोनों तुम्हारी हैं, लेकिन ये तुम नहीं सीख पाए कि जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माँ के जैसा व्यवहार आप करोगे ना, तो पति की माँ से डांट खाओगे। पति की माँ के साथ व्यवहार अलग होना चाहिए
वो अपनी माँ के साथ अलग होना नहीं, लेकिन मातृत्व भाव दोनों की रक्षा करना चाहिए। इसलिए कहाँ बोलें, गली गलियारों में चल रहे ये सुधर सागरी किससे क्या बोलना चाहिए ये मालूम चले जी। तुम मित्रों आपका स्वयं का हृदय कहेगा मैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना। तो हास्य हंसी मजाक हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। जितनी तुम ऊंचाइयां पाओगे, जितनी ऊंचाइयां पाओगे, इधर देखो मित्र विनोद भाई, मैंने सुना भिंड में मंदिर बनवाने वाले हो, फिर खड़े हो जाओ। वे देवेंद्र साहब बैठे सामने, ये वास्तु देखते हैं, ये वास्तुकार है, ठीक है। एक पंकज भाई आपके भोपाल, वे इंजीनियर हैं, विषय पकड़ना, ज्ञानी कितनी मंजिल का मंदिर बनाना आपको, तीन का बनाओगे, तीन शिखर आपको कमल भी, इनको तीन शिखर बनाना है इनके अपने गांव में। जब तीन मंजिल का मकान मंदिर बना रहे हैं, तीन शिखर से युक्त बना रहे हैं, तो इनको शिखर पर जब इमारत आएगी तभी सोचेंगे कि नीम भरेंगे तब सोचेंगे। मैं तुम्हारे मंदिर की प्रचार नहीं कर रहा, मैं कुछ दूसरी बात है। यदि तुमने तीन शिखर तीन मंजिल का और तीन शिखर का आप मंदिर बना रहे हो, तो मित्र उतना आपको सोचना पड़ेगा कि कितना मसाला हमको कितने मजबूत छने डालना है और कितना मजबूत सामग्री इसमें रखना है, जिससे कि तीन दिन के लिए नहीं है, हजारों वर्षों के लिए इस श्रावक इसमें पूजा पाठ कर सकें। इसी प्रकार से जितनी ऊंची मंजिल बनाना चाहते हो उतनी गहरी नींव होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही जिस साधु का विचार चर में विश्व ख्याति को प्राप्त करूं, विश्व का श्रेष्ठ साधु बनूं, बेटा तुम्हें अपनी साधना की नींव उतनी मजबूत बनना पड़ेगी और गंभीर होना पड़ेगा। सोने चांदी की दुकान पर भीड़ नहीं दिखती, लेकिन लेकिन हाँ वहां सुनसान पड़ी रहती है और बिल्कुल मौन से लोग आते मौन से चले जाते हैं।